हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी F12 की अनबॉक्सिंग। चलो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स है और इसको ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं F12 का डिटेल बॉक्स बाहर आ गया है। तो इसको मैंने फर्स्ट सेल में परचेज किया था, तो मुझे इसका प्राइस 9,999 रुपीज़ पड़ा था। एक्चुअल में जो इसका प्राइस है वो 11,000 है। और यहाँ पर हमें एक चार्जर अडेप्टर मिला है जो 15 वाट का है, और साथ में एक USB-C केबल भी मिला है। और हमें यहाँ पर कोई भी बैक कवर नहीं मिला है। और आप देख सकते हैं हमारा F12 सैमसंग गैलेक्सी थोड़ा ज़्यादा थिक है, और फ़ोन की जो बैक साइड का लुक है वो मैट लुक दिया गया है, बहुत अच्छा है। और फ्रंट में हमें इस फ़ोन में 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। बॉटम की तरफ देखेंगे तो Type-C पोर्ट और हेडफोन और प्रीमियम स्पीकर दिए गए हैं। और ये हमारा फ़ोन जो ब्लू कलर का है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा है और एक और फिर से 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसमें क्वाड कैमरा दिया गया है। इसके साथ इस फ़ोन में आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज भी मिलेगी। और यहाँ पर लिखा गया है मेक फॉर इंडिया। फ़ोन की लेफ्ट साइड में हमें एक सिम कार्ड ट्रे मिला है जिसमें 2 सिम कार्ड के स्लॉट हैं और एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट है। साथ में आपको इस फ़ोन में Exynos का प्रोसेसर दिया गया है 850 का, जो कि एक्टा कोर का प्रोसेसर है। और इस फ़ोन के अंदर आपको एक खास बात देखने की मिलेगी, वो ये है कि इसका जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है वो 19Hz का है, जो कि बहुत अच्छा है। और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, 6.5 इंच डिस्प्ले दिया गया है। इसमें जो डिस्प्ले दिया गया है वो HD+ है, और स्पेसिफिक फीचर है 6000mAh की बैटरी दी गई है। फ़ोन का लुक जो थोड़ा सा थिक और बल्कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब